सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड को लेकर स्वतः संज्ञान ले लिया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हत्या के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। मंगलवार 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। बता दें, मंगलवार को सीजीआई जस्टिस डीवाई चंचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुबह पहले इसी मामले पर सुनवाई करेगी। हालांकि मंगलवार को सुनवाई के लिए तय मुकदमों की सूची में 66वें नंबर पर है, लेकिन उसमें विशेष उल्लेख है, पीठ इसे प्राथमिकता पर सुनेगी। बता दें कि 17 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आक्रोश और चिकित्सा बिरादरी की हड़ताल के बीच सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसी मुद्दे पर एक याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस को प्रेषित इस पत्र याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को कोलकाता में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की भयावह और शर्मनाक घटना का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया गया था। बता दें, याचिका कर्मी आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज सिकंदराबाद की बीडीएस डॉक्टर मोनिका सिंह के वकील सत्यम सिंह ने अदालत से अनुरोध किया था कि 14 अगस्त को असामाजिक तत्वों द्वारा आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर किए गए हमले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। पत्र में मामले के लंबित रहने तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश भी दी जाए। इसमें तर्क दिया गया था कि हमले और अपराध स्थल पर हुई बर्बरता को रोकने में स्थानीय कानून और प्रवर्तन एजेंसियों की विफलता को देखते हुए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।